सिंगरौली में कांग्रेस ने पार्टी कार्यालय कोठी में झंडारोहण करते हुए स्थापना दिवस मनाया, जिसमें जिला कांग्रेस अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी स्थापना दिवस मनाने के बाद दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार का यह काला कानून है जो किसान हित में नहीं है, इस कानून को नहीं लागू करना चाहिए, इससे किसान का हित होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सहायक कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संगठन प्रभारी अनिल सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम लोगों ने कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया गया। कांग्रेस जो देश की आज़ादी से लेकर आज तरक्की है उसके संबंध में गोष्ठी की गई। आज जो देश की सरकार है जो किसानों के साथ अन्याय कर रही है, जो तीन बिल लेकर हम उन तीनों बिल के विरोध में हैं जो किसानों के हित में बात करना चाहते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।